अनम्यूट करिए। ओके okay। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपनासनो, सव पावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जी कोई प्रश्न? अभी थोड़ा उनको कश्यप जी है कि नहीं? कश्यप भी नहीं है लेकिन देखते हैं, नहीं तो पूछूं। परेश भाई कोई सवाल? ओके आप बोलिए कश्यप जी। पूछूं? हाँ प्रदीपानंद जी, जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न आता है कभी कभी मन में कि रियल रिलेटिव और आज थोड़ा ये कुदरती रचना जो हम लेकर के आए हैं, तो हमारी जो रहन सहन है, माने जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी फाइलें हैं, उन सब के अंदर माने उसका संभाव्य निकाल यदि करते रहेंगे हम लोग, तो अंदर बाहर मतभेद नहीं हो ऐसी आशा रखते हुए हम इस तरह से जीना चाहते हैं कि नहीं? मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, वो आज की समझ है। हाँ, और मतभेद जो हो जाता है वो हमारे पूरी मान्यता जो हम लेके आए हैं उनको बिलीफ बोलते हैं कि भाई ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसी जो मन में हमारे अंदर जो ग्रंथि पड़ी हुई है वो जो संयोग आने से वो खुली होगी, आप समझे ना। तो इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि फाइलों का संभव से निकाल करना वो हमें नक्की करना है। और सबसे बड़ी बात जो आज्ञा की है, आवाज बराबर नहीं आ रही। देखो हम सभी महात्माओं को दादा भगवान की पांच आज्ञा को बहुत वेट देने की जरूरत है। आवाज बराबर नहीं आती। अच्छा तो अभी क्या करेंगे? हाँ अभी अभी हम सभी महात्माओं को दादा भगवान की पांच आज्ञा को जोड़ उसके पर वजन देने की, उनका इम्पोर्टेंस जितना बने इतना देने की जरूरत है अभी, क्योंकि अभी हमारा जो जीवन है मन वचन काया के साथ हम हैं शुद्धात्मा स्वरूप से, तो जितना हम संयोग मिलने से फ्री होने टाइम पर जितना हम आज्ञा का अभ्यास करेंगे तो हमारा उसमें कल्याण समाया हुआ है। जो आप मुझे अभी पहले जगन्नाथ जगतपति के जो बारे में सब बताते थे, तो दादा भगवान के ज्ञान से इनकी कृपा से हमारा मन वचन काया का ऑनरशिप चली गई है। उसके टाइटल अभी हमने दादा भगवान ने उनके टाइटल पर हमने चौकड़ी मरवा दी है कि अभी मन वचन काया से मैं तद्दन विनशा शुद्धात्मा हूं, और ज्ञान देने के बाद जो आज्ञा दी है
तो सभी के अंदर जैसे मैं मन वचन का है, मेरा स्वरूप नहीं है, वैसे सभी जीवों का जो पैकिंग हमें दिखता है, तो दादा भगवान ने ऐसा बताया कि एक एक समझ तो आप लेके आए हो कि पैक ये चंदूलाल है, ये गाय है, ये भैंस है, लेकिन अभी जो नई दृष्टि आपको मिली है कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से गाय भैंस और चंदूलाल है, रियल व्यू पॉइंट से वो शुद्धात्मा है, तो हमें उनका अभ्यास जितना करेंगे तो हमारा काम बनता जाएगा। तो भाई कौन सा काम बनेगा, तो कि भाई ये जो मतभेद वाली है, क्रोध मान मान लोभ वाली जो बात है, जो कमजोरियां सब पड़ी हुई है, अगर तो जो जुनी मान्यताएं पड़ी हुई है, बिलीफ है पड़ी है, वो सभी बिलीफ है वो जब खड़ी होगी तो हमारे प्रकाश में दिखेगी और वही उनका आयुष्य खत्म हो जाएगा। मतलब कि हमारा संयम परिणाम खड़ा होता जाएगा, हमें समाधि जैसा सुख रहेगा और हम हमारी प्रगति और बढ़ेगी। नहीं नहीं, ये दादा भगवान का, दादा भगवान का इतना अच्छा सुंदर ज्ञान हमने ले लिया, यदि हम उसको बुद्धि उसमें लगाते हैं ज्ञान के अंदर, तो मतभेद खड़ा होता है। तो जो ज्ञान को है इजी समझ लेते हैं कि ये कुदरती रचना है, ये संसार में सभी वस्तुएं ये शरीर से लगती हुई कुदरती रचना है, ये फुल स्टॉप में रखे रहते हैं कुदरती रचना को, और यदि उसमें डको डखल करते हैं खुद बुद्धि से तो प्रॉब्लम होता है। बराबर है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें दादा की हर एक बातों को, हर एक सेंटेंस को हमें थोड़ा समझना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास हमारे खुद के पर करना है। खुद के मतलब फाइल नंबर वन पर करना है। जैसे आपने अभी मुझे आपने बताया कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो हम उनको याददाश्त हो गया, हमें उसके उसके पास श्रद्धा भी आ गई, लेकिन हमने प्रैक्टिकल करना अभी बाकी है। क्यों बाकी है? ताकि अवस्था वो कुदरती रचना है, तो कितना बड़ा सेंटेंस दिया दादा भगवान ने, आज तक कोई किताब में नहीं लिखा हुआ नहीं। ताकि भाई ये नाक कान आंख जो हाथ पांव है वो कुदरती रचना है, वो हमने खुद ने ये डिजाइन नहीं किया है, वो हमारे पूर्वभव के कर्म के हिसाब से जो डिजाइन हो गई थी उसकी इफेक्ट है। लेकिन कुदरती रचना हमारा मन वचन का है, तो उनकी भी कुदरती रचना है, सभी जीवों की कुदरती रचना है। लेकिन ये हम बोल लेते हैं, उनके पर श्रद्धा भी है, थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन जितनी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से हमारी दृष्टि मिलती जाएगी तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम कभी होता है कि जब बुद्धि खड़ी होती है और जब बुद्धि के अंदर हम उनकी बात सुन लेते हैं, हम मतलब कि हम शुद्धात्मा है तो हमारे स्वभाव में रहना चाहिए, हमें प्रज्ञा के पक्ष में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दादा भगवान ने बताया है कि आपको एक रूपा से ज्ञान मिला हुआ है, इसीलिए ये आपको जूनी जो समझ है वो धीरे धीरे संजोग के आधार पर निकलती जाए, लेकिन उसके पर आपको जागृति रखनी चाहिए। जो जागृति रहेगी तो जूनी समझ अपने आप गिर जाएगी और ज्ञान काम करता हो जाए, काम करने लगेगा। तो ये पूषा धर्म हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें कभी आपको ये सोचना है, हम सभी को, कि मैंने कभी भी मेरे पड़ोसी को अवस्था मात्र कुदरती रत्ना की तरह देखा है? देखा है कि भाई दांत में कुदरती रचना है, हाथ पांव में कुदरती रचना है, कान की कुदरती रचना है, अंदर की सिस्टम कुदरती रचना है, फेफड़े भी है, फेफड़ा भी है, सब कुदरती रचना है, अंदर ब्लड और वेन्स बोन्स सब कुदरती रचना है। हमने कभी ऐसा प्रयोग किया? अगर किया तो बहुत अच्छा है, तो हमें प्रयोग में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो मैं तो सूक्ष्म हूं और मन वचन का तो स्थूल है, हड्डियां भी स्थूल है, उनकी फोटो निकल सकती है, दांत के फोटो निकल सकते हैं, अपने बॉडी का फोटो निकल सकता है, मैं तो सूक्ष्म हूं। तो वो अभी जब अकेले थोड़ा टाइम कभी मिलता हो तो हमें अकेले में बैठ के दादा को प्रार्थना करके हूँ शुद्धात्मा जो करके हमें ये
मन वचन काया को अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, करते करते हमारी भजना करते करते हमें अंदर अंदर सब दिखेगा अपने आप। उनके लिए कुछ उसको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्शन प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, तो ये दर्शन में सब दिखेगा और धीरे धीरे ज्ञान में आएगा। और ये बहुत बढ़िया साइंस मिला है हम सबको। पूछ करने में आप मतभेद की बात तो कभी होती है, खरे साहब मुझे ऐसा लगता है जब कोई बात बोलता है, अगर तो कोई आदमी कोई क्रिया करता है, उसी समय हम रिलेटिव रियल की आज्ञा हाजिर नहीं रहती है, व्यवस्थित शक्ति करता है वो ख्याल में नहीं रहता होगा, तभी ये सब प्रॉब्लम खड़े होते हैं। क्योंकि किसी को अवस्था के स्वरूप में रियल देखना, मानना, समझो कोई भी अपना मित्र हो, पड़ोसी हो, घर में हो, तो हम उसको रियल मानते हैं कि यही चंदूलाल है, वही करता है, तभी हमें मतभेद खड़ा होता है। लेकिन जब तक ज्ञान की हाजिरी हो तो अंदर मतभेद वाली बुद्धि खड़ी होगी, लेकिन उसको स्कोप नहीं मिलेगा। मेरा कहना मतलब आप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, कि सभी सभी अंदर परिणाम खड़े होंगे, लेकिन जो जागृति होगी, ज्ञान की समझ होगी, तो फिर ये बुद्धि वाली जो डखो डखल है, उनका जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो वहीं ने वहीं खत्म हो जाएगा। खरे साहब ओके गीता बेन बोलिए। गीता बेन स्वामी जी हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद, आवाज आ रही स्वामी जी? आ रही आ रही है। स्वामी जी आज हम दादा भगवान के मंदिर पे अलवर बैठे हुए हैं सब महात्मा, और जन्माष्टमी की आशीष वचन हम आप सुनना चाहेंगे। सब महात्माओं को आप जन्माष्टमी का आशीष दें। क्या बताएं? आज जन्माष्टमी है, हम अलवर के मंदिर पर सब महात्मा। अच्छा अच्छा, वहाँ गए थे सब लोग हैं और अब वहीं पर बैठे हैं। आवाज आ रही है ना? आप वहीं पर बैठे हैं अभी अलवर के मंदिर में? अच्छा, तो वीडियो ऑन करो, नहीं होगा शायद। और वीडियो हाँ, किया, वीडियो ऑन किया हुआ है अभी। एक मिनट स्वामी जी। हाँ हुआ। सब महात्माओं को आशीष वचन दे स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जन्माष्टमी के शुद्ध अवसर पर, शुभ अवसर, शुद्ध अवसर। जय सच्चिदानंद। सुनाई देता है सबको? देखो, कृष्ण भगवान वासुदेव नारायण थे। वासुदेव नारायण यानी उनका जो पुद्गल है ना, वो वासुदेव नारायण था, ऐसा सक्षम था, यानी युद्ध में जाना वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन उनको निमिनाथ भगवान से ये दृष्टि मिली थी। सुनाई देता है? गीता बेन? यस यस, वी कैन हियर। यू कैन हियर, बट गीता बेन इज नॉट देयर। He got disconnected. She's coming back. Just a minute. Gita Ben? She's there, but she's not, her audio is not on. Audio on kariye. हेलो गीता बहन, ऑडियो कनेक्ट करिए।
जय सच्चिदानंद, उनकी कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, मंदिर में नीचे अच्छी सिग्नल नहीं आती है। विदा बहन नहीं, शी इज नॉट देयर। तो ऐसा है कि कृष्ण भगवान का जन्म यानी वासुदेव नारायण का जन्म, और वासुदेव नारायण यानी वो तीन खंड के अधिपति होते हैं यानी राजा होते हैं। वो तीन खंड के यानी सारा विश्व दो भाग में बट जाता है। एक भाग जो कृष्ण भगवान यानी वासुदेव नारायण के पक्ष में होता है, और आधा भाग प्रति वासुदेव यानी उनके समय में जरासंघ थे। जरासंघ का नाम सुना होगा, कृष्ण भगवान वासुदेव नारायण थे और जरासंघ प्रति वासुदेव थे। तो इतिहास ये, क्योंकि जब भी इतिहास में देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव टकराते ही है कभी ना कभी कहीं ना कहीं। और ये कुदरत का ऐसा नियम होता है कि पहले नेगेटिव आता है और बाद में पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव 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 नकारात्मकता वो इतनी बढ़ जाती है, सब उसको क्या बोलते हैं, इतना अराजकता बोलते हैं ना, बढ़ जाती है, कोई संयम नहीं, सभी जगह पे उल्टा होता है। तो तभी लोगों को भावना होती है कि हमें कोई बचाने वाला आ जाए तो काम हो जाए। लेकिन ये जो होते हैं नकारात्मक शक्ति, वो सामान्य नहीं होती, वो बहुत विशाल होती है। तो सबको ऐसी भावना होती है कि हमारा बचाने वाला आएगा, क्या मसीहा आएगा। तो उनको भी, और ये होता ही है प्रकृति में, तो ये जो नेगेटिव होते हैं तो उनके पास ऐसे लोग भी होते जो उनको बताते हैं कि आपको मारने वाला आ रहा है करके। तो उनके समय में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो वो हकारात्मक शक्ति का जन्म हुआ था। तो स्वाभाविक है कि जो नकारात्मक शक्तियां है वो ऐसे हकारात्मक शक्ति वाले को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका राज चलेगा नहीं। नकारात्मकता यानी अंधेरा, और हकारात्मकता वो पॉजिटिविटी है, वो प्रकाश स्वरूप होता है। तो इस तरह से ये दोनों टकराते हैं और भविष्य में उनका इतिहास लोग पढ़ते हैं। तो कृष्ण भगवान की जो परिस्थिति थी वो उस परिस्थिति में वो कैसे पॉजिटिव रहे, जैसे हमें दादा का ज्ञान मिला है तो दादा के ज्ञान से हम कैसे पॉजिटिव रहे। हमारा परिणाम, प्राकृतिक परिणाम ये कलयुग में ढंग का नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हम भीतर से आज्ञा से पॉजिटिव बिल्कुल रह सकते हैं। इसीलिए आज्ञा हमें जो मिली है वो 100% पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव रखती है किसी भी विपरीत परिस्थिति में। क्यों ना इतनी तीव्र विपरीत परिस्थिति में भी हम बिल्कुल पॉजिटिव रह सकते हैं, और वो हम महसूस भी करते हैं। और दादा भगवान ने बताया, तय करना आपका काम है, करना हमारा काम है, हुए ना हुए वो आपको देखना नहीं है। अगर नहीं होता है तो आप फिक्र नहीं करना, आप तय रखना, निश्चय पक्का रखना कि मुझे पॉजिटिव ही रहना है, किसी को दुख देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से दादा भगवान ने वैसी पॉजिटिविटी हमें भी दी है।
तो आज्ञा का आराधन यानी पॉजिटिविटी का आराधन है, और ऐसे पॉजिटिविटी में रहने के लिए सभी को शुभकामनाएं। यही सच्चिदानंद। ओके, लाइट चली गई है यहाँ। डॉक्टर भारतीबेन, डॉक्टर भारतीबेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम फॉरवर्ड। भारतीबेन, यही सचिव अनुबेन बोलिए। अनुबेन could you unmute? One minute. Unmute करिए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सबको। यथार्थ सच किसको बोलते हैं? जैसे गैदरिंग में बैठते हैं सब लोग, एंड सब लोग अपने अपने ज्ञान से ऊपर उठते हैं, मतलब जैसे ये हो जाता है, डिबेट्स हो जाता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, एक ही घर में रहते हुए। तो यथार्थ सच क्या है, ऐसा पूछते हैं आप? हाँ, बिकॉज क्या है यथार्थ और आखिरी सच क्या है, आखिर का सच क्या है? आखिर का सच ये है कि वहाँ किसी के धर्म प्रति, किसी के व्यवहार के प्रति उनको कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं कर होता है, वो रियल सच है। मतलब कि वो सेंटर में रहता है और सभी व्यू पॉइंटों को स्वीकार करता है, और वो अपने अपने व्यू पॉइंट में रहता है। जैसे कि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल। तो दादा भगवान ने बताया कि सभी जीव के अंदर शुद्धात्मा भगवान है, लेकिन सभी लोग का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है, इसीलिए वो कोई किसको मानता है, कोई दूसरे को मानता है, इसलिए वो डेवलपमेंट का फर्क है और कुछ नहीं। बराबर? हाँ बराबर। रियल सच ये है, अलग हो जाता है, सबका व्यू पॉइंट अलग हो जाता है, तो इसमें डिबेट्स बहुत हो जाते हैं। तो अपने को मैं जिसको मानती हूँ वो नकार करते हैं, और वो जिनको मानते हैं, ऑफकोर्स किसी को भी नीचे नहीं करना है, सबके अंदर में शुद्ध आत्मा है, लेकिन अपना व्यू पॉइंट देके हम हट जाते हैं, बिकॉज हमको फर्क नहीं पड़ता है किसी के ओपिनियन से या किसी के बेस से, लेकिन जो सच है, जो यथार्थ सच है, वो अगर समझाना चाहते हैं, वो लोगों की समझ में नहीं आता है, तो हम बोल के छोड़ देते हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि नहीं, आप मीन सब लोग जहां से गिरते हैं वहां से उठते हैं, लेकिन मेरा जब भी समझाना होता है वो समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण है दादा भगवान ने बताया जी, में जो रियल सत्य आपको पता चल गया जी, वो उनका हमें आग्रह नहीं रखना चाहिए। वो जो उनका आग्रह वो ही पॉइजन है। इसलिए दादा भगवान कहते थे कि मैंने आत्मा को देखा है, आत्मा का अनुभव है, फिर भी अगर कोई मेरे पास आ करके कुछ बोले कि आत्मा जैसी चीज है ही नहीं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यू आर राइट बाय योर व्यू पॉइंट। ओके, आप समझे ना? क्योंकि सबकी मान्यता को हमें स्वीकार करना होता है, बस ये हमारी जो स्वीकार नहीं होती थी, ये पॉइंट स्वीकार नहीं होती थी, तो हम जैसे थोड़ा डिबेट, फिर मैं सोचती हूँ सामने शुद्ध आत्मा करके मैं चुप रह जाती थी, बस ये पॉइंट है, स्वीकार करना है, ये मेन पॉइंट है। दादा के हमेशा, दादा भगवान मेरी हाजिरी में हम सत्संग में बैठते थे ना, तो दादा भगवान हमेशा, लोग ऐसे आते थे तो ऐसा ही बोलते थे कि यू आर राइट,
हमेशा पहले को जीता देते थे दादा, हमेशा ये कहते थे भी कि मैं हारने के लिए आया हूँ, मैं जीतने के लिए नहीं आया, मैं आपको जीता दूंगा। आप समझे ना, क्योंकि मतलब अपने आप को छोटा बनना है सब जगह, छोटा राइट राइट, उसको क्या बोलता है छोटा बनना है, वो अपनी भाषा है। लेकिन दादा यही समझते हैं कि हमें उन लोगों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें निकल जाने का है। हमारा जो निकलने का मार्ग है वो ऐसा ही है, हम झुकेंगे तो निकल सकते हैं। बराबर। जो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मैं जब स्टोरी थी कि दो एक नाला था और नाला में दो सामने सामने एक बहुत छोटा सा होल था, तो उसमें से निकलने के लिए दो सामने दो बकरी आ गई। अब शायद बिल्ली की बात है, मुझे अभी आप थोड़े समझाने के लिए बोलता हूँ। तो वो दोनों सामने हो गए तो कैसे निकलेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा होल था। तो पहले क्या किया कि एक बकरी ने अपना मुंह निकाल दिया तो वो निकल गई, फिर बाद में वो दूसरी निकल गई। आप समझे ना, समझी ऐसी कुछ स्टोरी मैंने सुनी थी। इसी तरह हमें हमें हमारी पकड़ को छोड़ना होगा, हमें छोटा बनना भी होगा, और हम कुछ नहीं जानते ऐसा बबूचक बन के निकल सकते हैं। लेकिन जो अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग और ऊपर टाइट हो जाएंगे, तो इससे नुकसान ही उनको होती है, क्योंकि हमारे निमित्त से, आप ये बहुत गहरी बात है समझने के लिए, हमारे निमित्त से आत्मा के बारे में, ज्ञानी पुरुष के बारे में, मोक्ष के बारे में अगर उसको उल्टा सुल्टा कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो हमें उसमें निमित्त बनना नहीं चाहिए। बराबर बराबर, इससे हमारा ईगो भी ड्रॉप होता है, हमारा अहंकार भी आता है। ईगो तो मेन बात है, ईगो तो मेन है, ईगो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। बराबर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। मनीषा मैन, जय सच्चिदानंद। प्रदीपानंद जी, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, प्रणाम। दादा की दृष्टि में निमित्त किसे कहेंगे? प्रदीपानंद जी, क्योंकि दादाजी ने कहा कि निमित्त अकर्ता निर्दोष शुद्ध होता है, निमित्त किसे कहेंगे? निमित्त किसको कहेंगे कि समझो कि अगर मैं बैठा हूँ और किसी ने आकर के मेरे को एक कुछ बोल दिया उल्टा सुल्टा, तो दादा ने बोला कि ये जो आपको मिलाया किसने, तो के व्यवस्थित शक्ति ने मिलाया, वो आदमी तो इधर घूमता था कहीं भी, तो आपके पास कैसे आ गया जी? और दूसरा के 4:05 पर क्यों आया, और दूसरे लोग बैठे थे तो उनके पास क्यों नहीं गया, और आपके पास कैसे आ गया, और आपको ही क्यों इतना बोला जी, जी, तो वो जो निमित्त हमेशा हमारी जो कर्मों की जो पूर्वभव की गलती है, तो कर्म जब फल देने के लिए सन्मुख होता है तो वो कुछ न कुछ निमित्त से ही हमारा एक कर्म का निवेड़ा होता है जी। जैसे जैसे कर्म का चार्जिंग है वैसे वैसा निमित्त मिलेगा, आप समझे ना जी। तो दूसरी बात है, दादा भगवान एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने आपको 2-4 उल्टे सुल्टे शब्द बोल दिए तो आपको तो ऐसा लगेगा यार ये मुझे ऐसा क्यों बोलता है, तो फिर आप उनको बोलोगे कि यार और दूसरा बोलो ना, तो वो क्या बोलो, और ज्यादा बोलो ना, तो वो क्या बोलेगा, क्या मैं आपके जैसा फ्री थोड़ा हूं कि बोलूंगा चलो हटो यहाँ से, ऐसा करके निकल जाएगा। तो दादा ने बोला कि आपने किसी को 4 चोपड़ा दी, आपने 2 उल्टे सुलटे शब्द बोलेंगे तो वो 2 ही बोलेंगे, आपने 4 बोला तो वो 4 ही बोलेंगे जी। तो इतना एग्जैक्ट व्यवस्थित मैंने देख करके अनुभव से मैंने आपको ये ज्ञान दिया है। इसलिए निर्दोष महिना क्या कि उनकी इच्छा, आप उनको पूछेंगे कि आप मुझे बोलने आए तो आपकी इंटरेस्ट था, तो बोला नहीं, किसी को दुख देने का इंटरेस्ट होता ही नहीं है उनको, फिर भी ऐसे संजोग खड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ पटकाते हैं, वाणी से पटकाते हैं, बॉडी से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, समझे ना। इसीलिए उनकी स्वतंत्र शक्ति करने की नहीं है, इसीलिए वो निमित है, इसीलिए वो निर्दोष है।
निर्दोष क्यों है तो कि व्यवस्थित शक्ति उनको प्रेरणा देती है, वो हिसाब से वो करता है, इसीलिए वो निर्दोष हो गया जी। बराबर। और निमित्त महीना क्या, उनके साथ कुछ न कुछ पूर्व भव का हिसाब हो तभी वो निमित्त बनता है, हमने शाम को हमने मिलने आता है, नहीं तो हमें मिलेगा ही नहीं। आप अगर समझो आप मेरे साथ सवाल करते हो, मैं आपके साथ बात करता हूँ, वो क्या है, हम एक दूसरे के लिए निमित्त है, क्या है, लेकिन हमारा हिसाब कैसा है, ताकि मोक्ष में जाने के लिए कुछ न कुछ भावना की होगी, तो हम इसीलिए आत्मा की और पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। आप समझे, मैं बोलने वाला नहीं हूं, मैं भी निमित्त हूँ, लेकिन ये निमित्त भाव हाजिर रहना, खुद को दूसरा की बात नहीं करता हूँ, नहीं, नहीं, अच्छे अच्छे कार्य के लिए, और कोई बुरा भी हो जाए तो हमें हमें जागृत रहना है। अच्छे काम में तो बहुत अच्छी तरह से निमित्त बन के निकलना है, और जब बुरा हो जावे, किसी को दुख हो जावे, तो उनके साथ प्रतिक्रमण करवाना है कि प्रदीप भाई आपका ऐसा नहीं चल सकता है, आप बोलते हो ना मोक्ष में जाने का है, मोक्ष की बात में करो, लेकिन अभी ये दुख हुआ उनका प्रतिक्रमण करो, अपने को अकाउंट क्लोज करना है। जी, हमें शुद्ध होना है, क्या करना है, शुद्ध होना है। हाँ, तो ये आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का भी कभी कभी लाभ लेना चाहिए, ऐसा है। એટલે નિમિત એટલે એનું કશું પોતાનું ચાલે નહીં, એને કુદરત જે ધક્કો મારે એટલે એને ફરજિયાત કરવું જ પડે, કારણ કે કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, આપ સમજ્યા ના જી। હમ કુછ કરતે નહીં હૈ દાદા, કે કોઈ ભી એક આદમી એસા લાઓ મેરે પાસ ઉનકો કરને કી કોઈ શક્તિ હો, કિસી મે કુછ કરને કી શક્તિ નહીં, અરે સોને કી શક્તિ નહીં, ઉઠને કી શક્તિ નહીં, ચલને કી શક્તિ નહીં, બોલને કી શક્તિ નહીં, લેકિન ફિર ભી वो इंसान को सही दृष्टि नहीं होने से वो अच्छे कार्यों में ईगो करता है जी, कि मैंने किया, बस वहां उसका चार्जिंग पॉइंट है जी। तो हमें ये बहुत, आपको कैसे हमें प्रयोग में जाने की जरूरत है कि देखो मैं आपको बताऊं जी, कि अगर आपके परिवार में कोई आपको बोले, मनीषा बहन हम सो दीपक आनंद जी ने बोला कि मनीषा बहन, तो आपको उसी समय आके हाँ शुद्धात्मा है, व्यवस्थित ने उनको मेरे साथ देखो बोलने का कुछ व्यवहार करने का हिसाब आया, वो निमित है, वो निमित जब बोलेंगे मनीषा में तो आप बोलोगे हाँ दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद, ऐसे तो आप बोलोगे नहीं घर में अकेले बैठ बैठ के, निमित होगा तो कुछ एक्शन एंड रिएक्शन होगा, आप समझे ना जी, ये फिजिकल बात करता हूँ मैं जी। ऐसे कोई भी निमित आता है तो अंदर भी कुछ बिना कुछ बोले भी अंदर चलता रहता है, किसी का व्यवहार देख के भी निमित को देखते रहे तो चीड़ आती है, कोई निमित ऐसा दिखता है तो उसके मुझे प्रेम भी आता है, लेकिन वो निमित है, क्या है, हमें थोड़ा अलग अलग कॉर्नर से जो हम देखेंगे तो इतना बढ़िया विज्ञान है। लेकिन मैं आपको सही मेरी बात बताता हूँ, मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे जैसे आप सवाल करते हो ना, उनके लिए पूरा प्रोजेक्ट है कि एक एक दो दो संजोगों को अलग अलग एंगल से उसको मुझे विज्ञान से देखना है, लेकिन इतना नहीं कर पाता हूं मैं, नहीं कर पाता हूं मैं, इसलिए कभी कभी सोचता हूं कि अकेले आके केलनपुर में या कहीं एक रूम में बैठ के पूरा दिन किसी के साथ कुछ बोलना नहीं है, लेकिन ये दो चार पांच प्रयोग करके मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या मुझे रिजल्ट मिलता है, लेकिन नहीं हो पाता है, बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत होता है फिर चला जाता है। इसलिए हमें ये पहले तो क्या करना चाहिए कि ये मन वचन काया वो मैं नहीं हूं, और मेरा स्वरूप शुद्धात्मा ही है, वो हमें बहुत पक्का कर लेने जैसा है, फिर धीरे 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 सब ये जो जितने भी संयोग निमित्त आएंगे ना तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाओगे, मतलब आप देख पाओगे, हम अभी जो देखते हैं ना वो देखना और ज्ञान से देखना दोनों में बहुत फर्क है। जैसे मैं समझो कभी भी हम दीपक आनंद जी के साथ बैठे थे रूम में, तो बहुत सारे महात्मा आए, तो जो एक बार मैंने वो सेटिंग किया था कल कि कैसे कैसा है शुद्धात्मा है, क्या है पैकिंग, कैसे है वो, क्या अवस्था क्या होती है, तो उसका थोड़ा बैठा था मैं तो मेरा चीत एक ही जगह पे, वो रिलेटिव रियल और ये सब चलता रहता था कि कोई बोलता था तो ये वाणी रिकॉर्ड है, ऐसा अंदर थोड़ा बहुत चलता रहता था। लेकिन मैंने ये देखा कि ये विज्ञान के प्रयोग से
और मैं शुद्धात्मा हूँ जितना हमें पक्का होता जाता है, और दूसरे में भी शुद्धात्मा ही उनका रियल स्वरूप है, तो क्या उनकी प्रकृति के प्रति, उनके कोई व्यवहार के प्रति हमारा चीत भी नहीं जाता है? और बुद्धि भी उस समय मैंने देखा कि बुद्धि भी बंद हो गई थी, विचार भी नहीं आते थे, बस ओनली दिस, बस रिलेटिव एंड रियल, रिलेटिव एंड रियल, बस। तो हमें ये महात्माओं को बहुत अच्छा चांस मिला है ये जूम के निमय से, तो हमें एक 10 मिनट 2 मिनट के लिए भी घर में प्रयोग में जाने जैसा है, समझो कि हमारा बॉडी है, तो हमें एक बार सोचने का, हूँ शुद्धात्मा छू, हूँ शुद्धात्मा छू, पछी आपने बोले हूँ अनंत ज्ञान वालो छू, पछी आपने जो कि क्या हाथ में ज्ञान है, हाथ को कोई ज्ञान है, तो क्या कहीं कहां पर ज्ञान है, कहां पर दर्शन है, क्या हाथ को दिखता है कुछ, हूँ अनंत दर्शन वालो छू, तो क्या आंखों नो जोवानो धर्म है, ख्याल आया ने, पछी अपने इंद्रियो नो धर्म ने मारो धर्म केवी रीते जुदो छे, तो कि इंद्रियों का धर्म है और मेरा धर्म अलग है, तो वो हमें धीरे धीरे प्रयोग में जाने से पता चलेगा, वो मैं सब सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ और टंकोत्कीर्ण हूँ। आप समझो दीपक आनंद जी ने आपको बोला मनीषा बहन, तो आप मनीषा बहन बोला तो आपको अंदर बिलीव में है कि मैं मनीषा बहन हूँ, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से करेक्ट है, लेकिन ये कहां से, आंख ने सुना कि कान ने सुना? कान ने सुना, तो वो ज्ञेय है। मनीषा बहन आपको दीपक आनंद जी बुला रहे हैं, तो वो व्यवहार हमारा वहां कच्चा पड़ जाता है, मेरा पड़ जाता है, आपका तो मुझे पता है। लेकिन हमें ये प्रयोग में जाने से हमारा जो अलगपन है, जो हमारा छुटापना है, जो इंद्रियों ना धर्म होने मारो धर्म जो अलग है, ख्याल है, तो वो हमें कैसे फंक्शन हो रहा है सब, और इन सभी को मैं जानने वाला हूँ। बहुत बढ़िया दादा ने विज्ञान दिया, तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरा ये अंदर से सभी का, हमारा महात्माओं का लक्ष्य है कि हमारा अलगपन का अनुभव होता है, लेकिन जितना हो सके इतना स्पष्ट हो जावे, आप समझे ना? तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो भी आपको ये लक्ष्य में होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और प्रदीप भाई की जो प्रदीप आनंद जी बोल रहे हैं वो अंदर सुनने के बाद अंदर दूसरे कौन से परिणाम खड़े होते हैं, वो दोनों ज्ञेय है, और मैं दोनों को जानने वाला शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा हूँ, लाइव प्रयोग करने जैसा है जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है ना, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें और कुछ करना नहीं, क्योंकि आप अपने करने का स्वभाव ही नहीं, ये बॉडी का स्वभाव और हमारा स्वभाव दोनों अलग ही है, आप समझे ना? तो वो हमें एक एक मन वचन का आके पार्ट पर बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अनुभव होता जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम कौन है उनकी जो श्रद्धा आ गई है, लेकिन हमें हम अनुभव होता जाए कि मैं ये ही हूँ, बस फिनिश। अगर आपको कोई बोले कि मनीषा बहन की जगह बोले कि नीता बहन, तो आप मानोगे? नहीं, नहीं। आपको तुरंत बिलीव फिट हो गई है कि नहीं ये मेरा नाम नहीं है, मैं तो मनीषा ही हूँ। वैसे हमें ये पक्का कर लेने का है कि कुछ भी होता है बॉडी में बाहर से अंदर से, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं, फिर बाद में डीलिंग अपने आप धीरे धीरे होता जाएगा। जी जी जी, वो आपका प्रयोग मैंने अभी 2-4 दिन से, दांत की ट्रीटमेंट चल रही थी रूट के, तो फिर वहां पे अलग किया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा को तो दांत है ही नहीं, ये आपका दांत है, आपके दांत की ट्रीटमेंट चल रही है, दुखता है तो आपका है, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा करके अलग करके करके अच्छा रहा, दादा भगवान ऐसा करते, क्योंकि हमें जो मालिकी पना का भाव, उसमें मुझे समझ में क्या आता है कि मन वचन काया का जो ऑनरशिप, जो हम मान रहे थे कि मैं ही हूँ, वो मालिकी भाव ज्ञानी पुरुष ने छुड़वा दिया है। लेकिन अभी जो डिस्चार्ज बाद में, जो हमने ज्ञान मिलने से पहले हमने जो मालिकी भाव उसके ऊपर रखा था और फिट हो गए, तो अभी धीरे धीरे निकलेगा वो, बराबर।
अभी वहां मालिकी भाव निकले और मन वचन काया पे निमित्त भाव अपने यहाँ खड़ा होए जब तभी वो हेल्प करेगा सामने में निमित्त भाव देखने में, है ना? देखो निमित्त भाव देखने में और निमित्त भाव वो इतनी बढ़िया चीज है कि जिसको ये समझ में आ गया है कि ओनली फॉर वन ऑफ द एविडेंसेस मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सब मैं कुछ नहीं हूँ, तो क्या अपने आप लोगों को भी बहुत काम लग सकते अपने। आप समझे ना? क्योंकि दादा भगवान क्या करते थे वो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ी मेरे हिसाब से समझ में आता है कि वो सत्संग में कोई पूछता भी नहीं था तो दादा ऐसे खुद के स्वरूप में रहते थे और वो हमेशा बोलते रहते थे कि मैं एक क्षण भी ये 50 साल हो गए लेकिन जब से ज्ञान हुआ तब से देह में रहता ही नहीं, लेकिन जब कोई सवाल करते थे तो मेरे मुझे आना पड़ता है वो मतलब के जवाब देने के लिए। तो दादा भगवान का ऐसा मुख दिखता था हमें कि कोई देखे ना ऐसे सिंपल थे फिर भी उसका चित वहां से स्थिर हो जाता था क्योंकि वो खुद स्थिर थे ना, उस निष्पन्न अवस्था थी, वो खुद आत्मा के अंदर स्थिर रहते थे, निर्ग्रंथ थे उनको, तो वैसे उनको देख के हमें भी इतना आनंद आता था सिर्फ देखने से, उसको टच करने का सुनने का तो बात ही अलग है लेकिन उसको देखते ही रहो बस, तो हमें ये अनुभव हो जाएगा, हम ऐसी दशा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दादा भगवान ने कहा था कि मैं 356 तक पहुंचा हूं, तो आप भी 356 तक जा सकते हो लेकिन ये पुरुषार्थ आप करना, और जब कच्चे पड़ जाओ तो शक्ति मांगना, अगर चूक जाओ तो माफी मांगना, बस फिनिश, बाकी का काम मैं कर लूंगा। तो हमें ये फाइलें भी है, हमारा जो कुछ भी पूर्व भव की जवाबदारी और हिसाब किताब लाए हुए है, लेकिन हमें अवकाश मिले तो हमें स्वरूप की आराधना करनी जरूरी है और हमें पूरा ये प्रयोग जो भी हो सके तो हमें अलगपन का प्रयोग में जाने से हमें बहुत काम लगेगा, बहुत काम लगेगा और हम रियल में जगत कल्याण में निमित्त बन सकते हैं, क्योंकि क्योंकि पूरी दुनिया में ज्ञान है नहीं अभी ऐसा। तो हम देखो हमें जब सुख मिलेगा, हमें सुख का जितना टेस्ट आएगा अनुभव होगा तो अपने आप ये भावना खड़ी हो जाएगी कि ये सुख लोगों को मिले तो कितना अच्छा है। आप समझे ना? तो हमें हमें धीरे धीरे दादा के कल्याण में भी काम करना है और हमारा खुद का भी करना है। तो मुझे जन्माष्टमी के बहुत पवित्र पावन कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी महात्माओं को आप ऐसी शक्ति दो कि आपके अंतराशय के मुजाब हम सब तैयार हो जाए। बराबर, हम सब निष्पन्न और निर्ग्रंथ हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, जरूर 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 हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा मार्ग मिला है, ऐसा दादा मिला है, तो सब हो जाएगा। यही सच्चिदानंद, यही सच्चिदानंद। हनुमान हनुमान डॉक्टर भारती बहन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भारती बहन, आज का जो आया आप वो रख सकते स्क्रीन पे, क्या है? समता और ज्ञाता दृष्टा भाव, इन दोनों में क्या फर्क है? समता के स्टेज में तो झोंका आ जाता है, इसीलिए चपत मार कर जागृत करना पड़ता है, जबकि ज्ञाता दृष्टा तो कायम जागृत कहलाता है। समता और ज्ञाता दृष्टा भाव, इन दोनों में क्या फर्क है? समता के स्टेट में तो झांका आ जाता है, इसीलिए चपत मार कर जागृत करना पड़ता है, जबकि ज्ञाता दृष्टा को कायम जागृत कहलाता है।
राइट शुद्धात्मा पद जो स्वरूप में जो जागे हुए महात्मा है वो अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रह सकते हैं, लेकिन महात्माओं को पूर्वाभव की जो कमजोरियां है गलतियां है इसके कारण कभी कभी बादल आ जाते हैं। तो बादल आ जाते हैं और कर्म जब फल देने के लिए सन्मुख होता है तो उस समय कर्मों का धक्का लगता है। तो उसीलिए हमें उस समय पर हमें ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रहता नहीं है, बराबर। इसीलिए हमें धीरे धीरे ये पुरुषार्थ प्रतिक्रमण और ये करते जाएंगे, जितना जितना हमारा शुद्ध होता जाएगा इतना इतना ज्ञाता दृष्टा पद खुला होता जाएगा। उससे लिए हमें क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, तो कि पूरे दिन में जितना भी हमें अवकाश मिले तो वहां हमें अभ्यास करना चाहिए कि कहाँ कहाँ आज्ञा चूक गए, कहाँ कहाँ मन वचन काया से क्या हुआ व्यवहार, कहाँ उनको मोह हुआ, अच्छा लगा बुरा लगा, कहाँ किसी के लिए मन से नेगेटिव अच्छा विचार आया नेगेटिव विचार आया, कहाँ से वाणी से क्या क्या कहवा कैसा व्यवहार हुआ, वो सभी हमें धीरे धीरे हमें उनके पर रिकॉल करके देखना पड़ेगा। तो हमारी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जहां जहां प्रतिक्रमण लगे कि ये किसी को दुख हुआ है, ये नेगेटिव थॉट्स आया है, ये दुखदायक वाणी निकली है, तो वहां हमें फाइल नंबर 1 से प्रतिक्रमण करवाना है। तो हमारी जागृति बढ़ती जाएगी, बराबर। और समता में क्या होता है कि जितना जितना ज्ञान मैं ज्ञान स्वरूप हूं कि ज्ञान मैना फुल उनको क्या बोलते हैं कि विदाउट लेयर्स ने कोई भी प्रकार के आवरण नहीं होते, ज्ञान जैसे जैसे अनुभव में आता जाता है तो समता का गुण खिलता रहता है। इसीलिए कबीरदास जी ने बताया है सिमंदर स्वामी के पद में के समता ना सागर ने वंदन, कि क्षमता वो ऐसा गुण है वो ज्ञान से खुला होता है। तो हमें ज्ञान हुआ है लेकिन अभी ज्ञान से धीरे धीरे हमें संभव से निकाल होता जाएगा, फिर उसमें से संयम होता जाएगा, फिर धीरे धीरे समता आएगी। समता मीन्स इक्वानिमिटी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इज इट? समता का मतलब वो तो लास्ट में आएगा। अच्छा, डिस्टर्ब नहीं होना। अभी समता का अभी हमारा पुरुषार्थ है, इसीलिए जब फुल स्टेज आएगी तब समता का गुण खुला हो जाएगा और शक्ति खुली हो जाएगी। अच्छा, ओके, दैट्स अ लास्ट स्टेज। हाँ, लास्ट स्टेज। अभी हमें सभी महात्माओं को, अभी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट होने के कारण हमें दादा भगवान की कृपा से पुरुषार्थ धर्म प्राप्त हुआ है। तो हमें जो दादा भगवान और सिमंदर स्वामी जैसा सुख और उनके जैसे गुण उनकी जैसी शक्ति का हमें जो फायदा उठाना है वो शक्ति सब हमारे अंदर पड़ी हुई है, लेकिन उसको फुल फ्लेज में जो अगर खुला होने देना है तो हमें ये 5 आज्ञा का पालन, जहाँ गलती देखे वहां प्रतिक्रमण और ये पुरुषार्थ धर्म को समझ समझ के उनमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे खुद अनुभव होता जाएगा कि ये ज्ञान से हमें ये शक्तियां खिलने लगी। अभी और एक प्रश्न है मेरा। जी बोलिए। अभी ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स, अभी सेम फैमिली मेंबर्स रहते, एक आदमी बोलता भगवान ही नहीं है, एक आदमी बोलता आत्मा ही नहीं है, दूसरा आदमी बोलता आत्मा है भगवान है, ऐसा ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स एक ही फैमिली में है तो यू फील लाइक स्टेइंग अवे फ्रॉम सच पीपल, बट इज दैट द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग और रॉन्ग वे? वो करेक्ट है क्या वैसा सोचना या देखो गलत है? भगवान ने बताया ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट,
एंड रियल इज परमानेंट, बराबर। तो बोलने वाले के अंदर भगवान बैठा है, शुद्धात्मा भगवान, वो परमानेंट है। अभी उनकी जो समझ है वो समझ को हम रॉन्ग कहेंगे तो हमारे साथ मतभेद हो जाएगा, आप समझे ना, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, इससे हमारा समय बर्बाद होगा, एंगर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हे दादा भगवान उनको सही बात समझ में आवे, ऐसी कृपा करो, बस फिनिश। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम प्रार्थना कर सकते हैं, अगर वो समझना चाहते हैं तो हम सब बता सकते हैं, लेकिन हम समझाने जाएंगे तो कोई समझने वाला नहीं, क्योंकि देखो एक पंचम आ रहा है। दादा भगवान ने क्या बताया कि वो जब थे ना, दादा भगवान जब थे तो बहुत जोर जोर से कई लोगों को बोला कि भाई एक कलाक में आपको मोक्ष मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, तो कोई लोग नहीं आए, कई लोग तो देख के चले गए। और एक बार बंबई में न्यूज़पेपर में दिया कि एक कलाक में मोक्ष, तो लोग वो पेपर पढ़ के हंसी उड़ाते थे, आप समझे ना, क्योंकि समझ गए। हाँ, क्योंकि ये पंचम आ रहा है ना, तो सबका मोक्ष में जाने का, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में सबका इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, सबका व्यू पॉइंट अलग अलग रहता है, तो हमें उसको दुख ना हो वो हमारा काम है। क्या है, हम कितना भी अच्छा ज्ञान जाने, जो दादा भगवान खुद, मैं आपको बता दूं, दादा भगवान जब थे तो उनके पास कोई लोग आते थे तो उनको बोलते थे आप खुद को भगवान कहलाते हो और सबको तालियां बजा के दादा भगवान का असीम जयकार बुलाते हो, ये सब क्या कर रहे हो। दादा भगवान बोलते थे भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भादरण का पटेल हूँ, अम्बालाल मुरजी भाई पटेल मेरा नाम है, और दूसरा मैं तो क्या है, मेरे अंदर जो भगवान प्रकट हुए उनकी भक्ति करता हूँ और उन लोगों को सिखाता हूँ कि भाई वो भगवान आपके अंदर भी है, अगर मेरे में मैं भक्ति करता हूँ और उनको भक्ति सिखाता हूँ, भाई आपको तो कोई तकलीफ हो तो बताओ, मैं भगवान तो हूं नहीं। कई लोगों को दादा सामने से ऐसे बोलते थे, बोलो अभी क्या करने का। जब दादा के सामने कलयुग में ऐसे लोग मिले तो हमारा तो हिसाब ही क्या है, लेकिन हमें धीरे से निकल जाने जैसा है। क्या है, पेशेंस से निकल जाने का, मगर अच्छा नहीं लगता, आत्मा ही नहीं है, आत्मा ये सब झूठ है, आफ्टर डेथ नथिंग एवरीथिंग एंड्स, वैसा बोलते हैं। हाँ देखो, आप हिंदू होके भी, रिलेशंस होके भी, सेम फैमिली होके भी ऐसा बोलते हैं। देखो ये फैमिली है, रिलेटिव है, और दूसरा और ये रिलेशन भगवान अंदर बैठे है ना, इसीलिए सबका रिलेशन है। लेकिन जैसे भगवान अंदर से निकल जाते हैं, शुद्धात्मा भगवान, तो कोई बड़ा मोटा मिलियनर बिलियनर कुछ भी हो, लेकिन कोई रिलेशन नहीं रहता है, आप समझे ना। इसीलिए हमें बोलना नहीं है, हमें समझना है, और दूसरा हमें ये ज्ञान मिला है तो हमें हमारा काम निकालना है। दूसरी बात यह है कि हमें लोगों के प्रति भावना करनी है कि भाई लोगों को सही समझ प्राप्त हो, बराबर। दादा भगवान वैसे ही निकल गए, पूरा जगत का कल्याण हो करके निकल गए वो, और ये तो समय आने पर सब समझेंगे, लेकिन अपने को ये रिलेटिव्स है सब, और सब करेक्ट है ऐसा मानने का, यू आर करेक्ट बाय योर व्यू पॉइंट बट नॉट बाय फैक्ट, वो हमें समझना है, उनको नहीं बोलना। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, वैसा बोलने से प्रॉब्लम नहीं होता मेरे को। और एक प्रश्न है कि ये अंतःकरण इगोइज्म मेरे को उतना क्लैरिटी से समझ में नहीं आया। देखो है तो हाँ, मैं बता दूं, आप जितना उन लोगों को करेक्ट मानोगे तो आपको शांति हो जाएगी। अच्छा, वो समझ में आया, बराबर। तो हमें सबको करेक्ट कहना है और हमें निकल जाना है, और आपको अंतःकरण समझना है। अभी अंतःकरण इगोइज्म मेरे को उतना क्लैरिटी नहीं है उसमें, इगोइज्म किसको कहते हैं कि देव वो मैं हूँ वो समझ के साथ जीना, वो इगोइज्म। कोई आपको इंसल्ट करता है तो आपको दुख होता है, तो वहां इगोइज्म है। आपको कोई रिस्पेक्ट देता है ना, आपको सुख लगता है, तो वो इगोइज्म। क्या है, क्योंकि इगोइज्म बोले तो देह
अब मैं ये बॉडी हूँ मानना ऐसा बिलीव है बिलीव क्योंकि जो है वो हम बोलते है और बॉडी को व्यवहार से नाम दिया है लेकिन हम उनको रियल मानते कि मैं ही भारतीय बहन हूँ तो वो इगोइज्म है। अच्छा और वो इगोइज्म इज आइडेंटिफिकेशन बॉडी आइडेंटिफिकेशन इज इगोइज्म अच्छा वो समझ में आया। फिर अंतःकरण अंतःकरण बोलते उसका कुछ अंतःकरण मतलब माइंड बुद्धि चित और अहंकार इसमें इगोइज्म समझ में आ गया। फिर माइंड मतलब मन मन यानी जो विचार विचार आते हैं ना सब वो मन का स्वभाव है। फिर जो निर्णय करते हैं कि समझो अगर आपको आप घर में बैठे हो और आपको अंदर विचार आया कि मुझे मार्केट में जाना है परचेस करने के लिए तो फिर एक बार आपने जो अंदर डिसाइड हो गया कि जाना है तो फिर आप तुरंत तैयार होते जाओगे पर्स लोगे पैसा लोगे सब तैयारी करोगे बराबर। फिर बाहर निकलने के बाद वो बुद्धि है। फिर बाद में घर के बाहर निकलने के बाद आपको बुद्धि बताती है कि पैदल जाऊ गाड़ी में जाऊ स्कूटर पर जाऊ रिक्शा पर जाऊ कैसे जाने का वो अंदर डिसाइड अंदर डिस्कशन होती है। फिर इसमें से सीखा लगता है कि भाई ऑटो जाना है तो फिर आप ऑटो की ओर चल पड़ते हो वो बुद्धि का काम है आप समझे ना। फिर चित का काम ऐसा है कि अगर आप मार्केट में से घर पे आ गए फिर बाद में आपने चित देखा वो बैग में से सब निकाला फिर आपको याद आया अरे वहां तो बहुत बढ़िया बनाना था तो बनाना आपने देखा था उस समय वहां आपको आपका चित चिपक गया था लेकिन आपको उस समय कुछ कर्मों का धक्का विचारों के अगर आगे निकल गए। फिर घर में आने के बाद आपको केले की लारी दिखती है कि यार वो बहुत अच्छा केला था लेना वो चीज का स्वभाव है आप समझे ना। आप घर में आने के बाद केले की लारी और केला दिखता है वो चीज का स्वभाव है। अच्छा इसीलिए माइंड इंटेलेक्ट हाँ दादा भगवान ने बताया कि एक भी कार्य complete pure chit is shuddha atma is it come again what I am saying is when the chit is completely pure that is shuddha atma or is it something different when pure hota hai to shuddha atma wo hi shuddha atma hota hai wo sabhi kriyaon ko janta hai man ko bhi dekhta hai buddhi ko bhi dekhta hai chit ko bhi dekhta hai ahankar ko bhi dekhta hai maan kisko laga kisko kya hua effect sab kuch dikhta hai वो सब शुद्धात्मा है जानने का और देखने का उनका स्वभाव है लेकिन डखो डखल करने का स्वभाव नहीं है आप समझे ना। तो चित्त का समझ में नहीं आया क्या चित्त समझ में आया मन बुद्धि फिर से अहंकार अहंकार इज बॉडी आइडेंटिफिकेशन चित्त का ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ तो मैं बताऊ आपको अगर आप 2 साल के 5 साल पहले कॉलेज में पढ़ते थे मैं आपको अभी बोलूं कि आपका कॉलेज का क्लास आपको दिखता है यहाँ से तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा कभी नहीं। आप समझो आप बंबई गए हो किसी गेस्ट के यहाँ तो मैं बोलूं आपने बंबई दिखता है कहाँ स्टेशन पर उतरे थे और कहाँ गए थे तो आपको दिखता है ना। दिखता कभी कभी तो वो चीत का काम है। चीत हमेशा फोटोग्राफी करता है क्या करता है फोटोग्राफी का काम है। आप बचपन में बचपन की भी स्टोरी कुछ भी होगी ना तो आप याद करोगे तो तुरंत फोटो के साथ दिखेगी। अच्छा वो दादा भगवान क्या कहते हैं कि अंदर वो चित की अंदर वो सब फोटो सब खींच लिया हुआ है पूरी प्रिंट पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा ब्लू प्रिंट के जैसा हाँ वो अंदर जमा रहती है कंप्यूटराइज्ड वो सब कंप्यूटर स्टोर कर लीजिए बस ऐसा है। लेकिन अगर कोई आपको याद करे ना आपको कुछ बोले ना तो तुरंत आपको दे अगर आप घर में आ गए और आपकी क्लिनिक की कोई बात करे ना तो आपकी पूरी क्लिनिक घर में बैठे बैठे दिखेगी कि मेरे ड्रॉअर में क्या है इधर क्या है दवाई कहाँ पड़ी है टेथोस्कोप कहाँ पड़ा है सब दिखेगा। या, तो वो चीज का काम है वो चीज इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि ये ज्ञान मिलने से मन मन की बात जाने दो चित्त शुद्धि होती है।
शुद्धि संपूर्ण शुद्ध वो शुद्धात्मा है, तो हमारे अंदर चित्त जितना शुद्ध होता जाएगा वो शुद्धात्मा है, क्योंकि उनके ज्ञान दर्शन का गुण वो चित्त में है, इसीलिए चित्त को बहुत संभालना चाहिए। कैसे हमें सामायिक में देखना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, हमें आंख बंद करके त्रिमंत्र बोलते हैं और हम शुद्धात्मा जो करके ऐसे बैठे, फिर बाद में देखने का कि किस किस का फोटो आ रहा है, तो वो चित्त ने फोटो गिरा है, अब समझे ना। हाँ, वो वहां हमें प्रतिक्रमण करने की जरूरत पड़ती है, जहां जहां राग द्वेष का हिसाब है वहां हमें प्रतिक्रमण करना पड़ता है, तो शुद्ध होता जाएगा। अभी ज्ञान से चित्त शुद्ध हुआ है, लेकिन अभी पुरुषार्थ से पूरा शुद्ध हो जाएगा तो वही शुद्धात्मा है। अच्छा, चित्त शुद्धि के लिए मेन पॉइंट्स कुछ बता सकते हैं? 2-3 पॉइंट्स? नॉट, हाँ बता सकता हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, ऐसा पूरा मंत्र आंख बंद करके आपको शब्द एक एक पढ़ोगे तो जितना पढ़ के विधि त्रिमंत्रों करोगे तो चित्त सिद्ध शुद्ध होता जाएगा, और उसका प्रमाण है, रिजल्ट है उसका। कैसे? के पहले नमो अरिहंतानम में अरी का जो रसोई मींडा जो भी है वो नहीं दिखता था, वो धीरे 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 एकदम स्पष्ट दिखेगा। जैसे खुली आंख से हमें जैसा दिखता है किताब में, वैसा बंद आंख से आपको दिखेगा। अच्छा, तो समझ लेने का चित शुद्ध हो गया। अच्छा अच्छा, वो एक पॉइंट है। दादा भगवान ने तो हमारे सब पर और पूरे जगत पर बहुत इतना आसान कर दिया है, लेकिन ये बात हमें थोड़ी बहुत समझ में आवे और हम थोड़ा सिंसियरली पुरुषार्थ करें, तो मैं मानता हूं कि उनको एक दिन उनके अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि धन्य हो दादा भगवान, आपने कमाल कर दिया। लेकिन ये अंदर से आवाज उठेगी, अगर अच्छा। मैं बोलता हूं वो आवाज नहीं चलेगी। अच्छा। जब जब हमें अनुभव होता जाएगा, जब जब हमें सुख की अनुभूति होती जाएगी, तब तब अंदर से आवाज आएगी, धन्य हो दादा भगवान, आप समझे ना। और ये सभी महात्माओं को धीरे धीरे हो रहा है, इसका तो बहुत बड़ा हमने दादा भगवान, हम सभी आपका पुत्रों को बताते थे कि आपको कैसे कैसे प्रयोग करके जाना है। हमें एक दिन दादाजी ने कोई ऐसी बात गुप्त नहीं रखी महात्माओं और आपका पुत्रों के बीच में कि जो कोई सीक्रेट हो, लेकिन हमारी हमारी सबके कल्याण के लिए दादा ने सब बात खुली कर दी। सिर्फ हमें पुरुषार्थ भी कैसे करना वो हमारा नक्की पना चाहिए, बराबर। और ये तो महात्माओं का है ही, सब सब है ही, सब अच्छा हो जाए। आज जन्माष्टमी के पर्व पर सभी महात्माओं की जो भावना है ज्ञान में आगे बढ़ने की, पुरुषार्थ करने की, शुद्ध होने की, वो सभी भावनाओं को हम दादा भगवान के चरणों में रखते हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रखते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान और हे श्री दादा भगवान, हे सभी देवी देवताओं, हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें, जेती हम दादा भगवान का जैसा सुख का अनुभूति करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।